हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन रेसिपीज़। और आई एम श्योर ये आलू पूरी देखकर आपके मुंह में पानी तो ज़रूर से आ गया होगा। और क्योंकि अब आ गए हैं नवरात्रि व्रत, तो ये है स्पेशल नवरात्रि में खाए जाने वाले व्रत के ज़ीरा आलू, जो बहुत ही कुरकुरे, लाजवाब, चटपटे लगते हैं। एक बार आप ट्राई करें इस तरीके से रेसिपी। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो अपना प्यार दीजिएगा इस रेसिपी को, इसको लाइक कर और मेरे चैनल को ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आप मेरी नवरात्रि व्रत की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी व्रत रेसिपीज़ हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए, जिसमें व्रत के ज़ीरा आलू आज हम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप आलू उबालते हैं, अगर आपके आलू में हल्की सी कसर रह जाती है तो आपके आलू जब आप पकाएंगे तो शेप रिटेन करेंगे, तो उसे फिर आप काट कर छुरी से फिर उसका शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके आलू गलती से ज़्यादा उबल जाते हैं तो आप हाथों से मसल कर इसको रफली तोड़ लें, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी बढ़िया लगते हैं। तो मैंने जो ये आलू उबाले हैं तीनों, ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा ओवर कुकड आलू नहीं है ये, तो इसलिए जब मैं इसको काट रही हूँ तो इसका शेप जो है वो रिटेन हो रहा है, काटते टाइम ही आपको समझ में आ रहा होगा। और हल्की सी इसमें कसर है, जो हम जब इसको पकाएंगे तब ये कसर पूरी हो जाएगी, पूरी तरीके से हमारे आलू पक जाएंगे। लेकिन अगर ये थोड़े ज़्यादा कुक हो जाते तो मैं हाथों से इसको तोड़ लेती और फिर इसको ज़ीरा जो छौंक लगा के उसमें ऐड करती। तो दोनों तरीके की चॉइसेस हैं आपके पास, मैंने यहाँ पर काटे हैं, आप रफली हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिए 2 टेबलस्पून मूंगफली के, ये सॉल्टेड पीनट्स है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो नमक थोड़ा सोच समझ के बाद में ऐड करना है। और इसको दरदरा आपको पीस लेना है। साथ में 1 चम्मच मैंने लिए बारीक कटी हुई अदरक, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ी सी जो मूंगफली है वो मैंने साबुत ऐड करी है, जो देखने में भी और खाने में बढ़िया लगती है। अब 2 से 3 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें 1 चम्मच पहले डाला है ज़ीरा और उसमें डाली है अदरक जो हमने बारीक ग्रेट कर रखी थी 1 चम्मच, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और इसको हल्का सा भून लेना है। उसके बाद तुरंत ही इसमें डाल देंगे हम आलू, और आलू को ज़्यादा आपको उलट पलट नहीं करना है, इसको पकने देना है जब तक कि अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट नहीं आ जाता एक साइड पे, और फिर इसको आप बहुत ही हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से या फिर इस तरीके से पैन को हिलाकर उलट पलट करें और थोड़ा सा गोल्डन क्रस्ट दोनों साइड पे अच्छे से आने दें। साथ में गया इसमें थोड़े से ये करी पत्ता, जिसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये आलूओं को अब हमें जब तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि अच्छा सा क्रस्ट इस पर नहीं आ जाता। तो ये सिलिकॉन स्पैचुला का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन आलूओं को उलट पलट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि शेप आपके आलू जो है वो रिटेन करें। वैसे तो थोड़े से जो ये आलू टूट जाते हैं उसमें जब मसाला कोट हो जाता है तो वही आलू बहुत बढ़िया लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से 3-4 मिनट ही इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है और गोल्डन सा क्रस्ट इस पर आ गया है। तो ये देखिए ये हमारे आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो इसके अंदर हमने डाल दिए हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च लिया मैंने, जिसको बीच में से चीरा लगाकर उसको ऐड कर दिया है। साथ में डाला है इसमें सेंधा नमक, और उसके साथ इसमें जाएंगी पीनट्स का जो हमने कोर्स करके पाउडर बनाया है, और साथ में थोड़ी सी साबुत मूँगफलियाँ भी हमने इसमें डाली हैं। अब अच्छे से इसको भूनना है हमको, जिससे कि मसाला जो है, जो पीनट्स है, एकदम अच्छे से लिपट जाए आलूओं के ऊपर। तो ये हरी मिर्च जो हमने डाली है, इसी से असली मिर्ची का टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि व्रत में लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया जाता है, बहुत से घरों में नहीं ऐड किया जाता है। तो हम इसमें मिर्ची का जो फ्लेवर है वो डालेंगे, एक तो हरी मिर्च से और दूसरा काली मिर्च के इस पाउडर से। तो ये 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च पाउडर। आप कोर्स क्रश करके भी काली मिर्च डाल सकते हैं, और साथ में मैंने डाला है ये 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। जीरे को अच्छे से भून लेना है आपको, जब वो अच्छा ब्राउन हो जाए तो उसको बेलन की मदद से या मोटर और पैसल की मदद से आप उसको अच्छे से कूट लें और उसके बाद उसको डालें। साथ में गया है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो आप देखने से ही समझ सकते हैं कितने बढ़िया ये आलू लग रहे हैं इस टाइम। हल्का सा इसमें क्रंच भी है मूंगफली की वजह से, और मिर्ची का फ्लेवर बहुत बढ़िया है इसमें, क्योंकि इसमें काली मिर्च का पाउडर है, तो एक तरीके से काली मिरी आलू है। एक चीज़ की जो इसमें कमी है वो है खटास की, जिसको हम पूरा करेंगे नींबू का रस इसमें निचोड़कर। बिल्कुल आखिरी में
पहले तो आप 3-4 मिनट के लिए इस आलू को अच्छे से भून लें, जिससे कि मसाला अच्छे से कोट हो जाए और थोड़े करारे हो जाए आलू। ये देखिए, तो ये बढ़िया हमारे मसालेदार चटपटे आलू बिल्कुल तैयार हैं। तो लास्ट में अब आपको क्या करना है, ये नींबू का रस इसमें इस तरीके से निचोड़ देना है और गर्मा गर्म ही फिर इसको सर्व करना है। मैं सच बताऊं तो ये आलू बिल्कुल बिना किसी चीज़ के भी आप इस तरीके से खाएंगे तो चाट से कम नहीं लगेंगे आपको ये आलू, लेकिन इसको पूरी के साथ, कुट्टू की पूरी के साथ सर्व करें तो बहुत ही बढ़िया जायका आता है। दही हो, कुट्टू की पूरी हो, इस तरीके के आलू हो, और साथ में अगर साबूदाना वड़ा बनाया है आपने, साबूदाना बोंडा बनाया है, तो वो भी आप सर्व कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। साबूदाना बोंडा जो बहुत ही बढ़िया लगता है, जिस तरीके से हम आलू बोंडा खाते हैं उसी तरीके से साबूदाना का भी बोंडा बनाया जाता है व्रत में, जो बहुत ही लाजवाब लगता है और पूरी थाली जब लग जाती है तो बहुत ही बढ़िया लगती है। आप चाहे तो इस पर थोड़े से अनार के दाने भी डाल सकते हैं सर्व करते टाइम। तो ये पूरी आलू और साथ में साबूदाना बोंडा, बहुत ही बढ़िया थाली है ये। इसके साथ दही, और अगर आप चाहें जैसे मैंने पहले बताया, थोड़े से अनार के दाने डालें और पूरा प्लेटर आपका लगकर हो जाएगा तैयार। आई होप आपने इंजॉय की होगी सिंपल इजी से आलू की सब्ज़ी। अगर आपको पसंद आई है ये ज़ीरा आलू मसालेदार चटपटे, तो ज़रूर से इस रेसिपी को शेयर करें, और व्रत में अगर आप इसे बनाते हैं तो लिखकर ज़रूर से बताएं। मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्दी हाजिर हो जाऊँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक गॉड ब्लेस, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि।